बाबर T20 वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड और इंग्लैंड में गियर अप होने का चांस है, आप क्या समझते हैं कि इस बार, क्योंकि आप एक दफा सेमीफाइनल और एक दफा फाइनल खेले हैं, कितने कौम उम्मीद रखे कि इस बार वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत लेगा, 2009 की याद ताज़ा कर लेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले अस्सलाम वालेकुम सबको, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश नज़र आ रहे हैं और खुश ही रहें हमेशा, और सबके लिए दुआ किया करें। देखें, जहाँ तक आपने बात की कि पास में जो हो गया वो हो गया, उसमें भी हमारी एम और वो जो फोकस और जो मोटिव और गोल था वो यही था कि हमने ट्रॉफी लानी है। अनफॉर्चुनेटली हम वैसा फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन इस बार भी जो है वो डबल कॉन्फिडेंस और बिलीव है कि हम ट्रॉफी लेके आएंगे, लेकिन एफर्ट हमारे हाथ में है और जो हमारी टीम का कम्बिनेशन और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनका, जो जितने भी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ ये है कि हमने कैसे जीतना है, कैसे मैचेस जिताने और कैसे हमने वर्ल्ड कप खेलना है, तो हमारा भी फोकस उस तरफ है और बिलीव एज अ कप्तान बिल्कुल मुझे सब पे और हमेशा रहेगा, और वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह अपना पूरा फोकस और 100% देंगे। बाबर, सबसे पहले तो गुलडक जजाकला, दूसरा 2022 में हमने फाइनल खेला वर्ल्ड कप का, बहुत से लोग समझते हैं कि जब फखर जमान इंजर्ड हुए, बाद में आपने मोहम्मद हारिस को लिया, तो उनके 4 मैचेस में 3 इनिंग्स बड़ी शानदार रही, मगर उस वर्ल्ड कप के बाद वो सिर्फ 4 मैच खेल पाए, अब वो टीम का हिस्सा नहीं है, बहुत से लोग समझते हैं कि शायद उनके साथ ज्यादती है, आप चूँकि सिलेक्टर भी हैं, कप्तान भी हैं, आपको उनके बारे में आपकी क्या राय है? इसी तरह ही आमिर जमान ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली सिडनी के अंदर, और पाकिस्तान टीम वही टीम है बड़ी टीमों में जिनके पास एक भी फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि फिट आमिर जमाल से इंजर्ड हारिस रऊफ ज़्यादा बेहतर है? देखें, आप टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से आप रिलेट कर रहे हैं उसको कि वो T20 में वैसा खेले, क्योंकि देखें उस नंबर पे आपको बहुत प्योर आपको ऑलराउंडर चाहिए और उसके लिए आपको पूरा जो एक जो बैट्समैन है, क्योंकि वो फिनिशर के तौर पर आपको जाना जाता है उस दौरान, अगर उस नंबर पर खेला बिल्कुल जिस तरह उसने इनिंग खेली, फाइन जो है वो ऑलराउंडर है, टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको और खेलने का, खेलेगा तो और जो है वो और पॉलिश होगा, तो उसमें हमने इस पर बिल्कुल डिस्कशन की थी, काफ़ी देर हमने इस पर बात की, डिबेट की, लेकिन हमने जो बेस्ट जो टीम के लिए था वो हमने उस पर डिसाइड किया। और जहाँ तक रही आपने बात की हारिस रऊफ की, और देखें हारिस रऊफ का जो मोहम्मद हारिस नहीं, वो आपने रिलेट किया ना, जी जी रिलेट किया आपने मोहम्मद हारिस रऊफ के साथ उसकी फ़िटनेस पे, देखें जहाँ तक उसकी बात रही है तो फिटनेस उसकी माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑनेस्टली कि वो इतना जल्दी रिकवर करेगा, बॉलिंग करेगा, और वो बहुत कीन है, जो अच्छी चीज़ है जो उसको एज अ प्लेयर और एज अ प्रोफेशनल आप इस ये चीज़ आप में होनी चाहिए कि यार मुझे जो भी है मुझे कम बैक करना है, मुझे टूर्नामेंट करीब आ रहा है, मैचेस करीब आ रहे हैं, तो उसके जब भी बात होती है वो हमेशा पॉजिटिव और कीन बात करता है, तो ये चीज़ें मुझे चाहिए एज अ प्लेयर और एज अ स्पोर्ट्समैन, जब भी आपका प्लेयर कोई पॉजिटिव बात करता है आई नो कि उस पर प्रेशर है बैक आने पे और उस पर जो क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं, इंजर्ड है, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन रिस्पॉन्स तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि जब आप रेस्ट के बाद आते हैं, जब आप प्रॉपर अपने आप को रेस्ट देते हैं मेंटली फिज़िकली, तो आप आके एक डिफरेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो वो मुझसे मुझे जो है वो जो हमने जो डिस्कशन की थी वो यही थी। और रहा हारिस विकेटकीपर, देखें उस दौरान जब थे वर्ल्ड कप के बाद जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसको वैसी नहीं मिली, लेकिन नंबर जो था उसका वो जो टॉप ऑर्डर का था, अब टॉप ऑर्डर में जो है वो आप देख लें, मैं हूँ, रिजवान है, सैम है, फ़खर है, तो बिल्कुल उसको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसको PSL में मिली थी, PSL में उसको अपॉर्चुनिटी मिली जिस तरह उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं हुआ, ये नहीं कि वो बुरा प्लेयर है, टाइम आता है ऐसा, हर बंदे पे आता है, हमारे पे भी आता है, लेकिन फिर हमने उस पर डिस्कशन की कि क्या हम उसको कहाँ खिलाएँगे, क्योंकि अगर वो खेलेगा भी या उसको टीम में भी रखते तो वो लोअर मिडल ऑर्डर पे खेलता, तो ये डिस्कशन, क्योंकि हम बहुत जल्दी उस पर ना कंपैरिजन और वो करते हैं कि यार इसको ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो आप ज़रा थोड़ा सा ये भी देखें कि वो किस नंबर पे खेलता है, तो वो थोड़ी चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं कि यार उस नंबर पर
या किस नंबर पे हमें ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान की टीम को ज़रूरत है, तो वो डिस्कशन होती है, जो बेस्ट पॉसिबल होता है वो हम उसके साथ जाते हैं। बाबर, कल मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की आप लोगों के साथ, तो किस हद तक मोटिवेशन मिलेगी? उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए $1,00,000 पर प्लेयर भी अनाउंस किया, एक तो ये बता दीजिए कि दूसरे नंबर पे आप जो मौजूदा टीम है उसमें आप किस प्लेयर को की प्लेयर समझते हैं कि वो बिल्कुल क्लीदी किरदार अदा करेगा? देखें, जिस तरह चेयरमैन साहब आके इंगेज हो रहे हैं टीम के साथ और मोटिवेशन दे रहे हैं, और वो सिर्फ वो मोटिवेशन दे रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपना 100% दो, और रिज़ल्ट देखें हमारे हाथ में नहीं है। जब आप अपना 100% देंगे, अपनी एफर्ट डालेंगे एज अ टीम, तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएगा। तो वो ये सिर्फ ये चीज़ चाह रहे हैं, वो हमेशा हमें कॉन्फिडेंस और बूस्टअप कर रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल जिस तरह आपने बात की है बड़ी चीज़ें अनाउंस की, आपको एक चीज़ पता लगी है। फिर देखिए की प्ले मेरे लिए सारे हैं, हेलो हेलो 1 2 3, हाँ जी सेट। देखिए की प्लेयर्स जितने भी हैं, उस 15 के 15 की प्लेयर्स हैं। ऑन द डे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेयर जो आपको वो है डिफरेंस डाल सकता है। इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो ऑन द डे आप उसको जज कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप मुझसे पूछेंगे मेरे 15 के 15 प्लेयर जो हैं वो की प्लेयर्स हैं। बाबर साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अच्छा, बात यह है कि इस वक्त तो मौका नहीं है कि आपसे तनकीदी बात की जाए, लेकिन कुछ जो तनकीदी लोग हैं उनके जहनों में सवाल आते हैं। मसलन गैरी क्रिस्टन साहब कोच हैं, आपके हेड कोच हैं, तो अभी आपने बात की है कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। गैरी क्रिस्टन की जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, वो जब 2008 में इंडिया में कोच आए थे, तो उस वक्त धोनी का प्रॉब्लम आ रहा था बैटिंग का, कोहली का आ रहा था, ईश्वन का आ रहा था, तो उसने आगे पीछे बैटिंग लाइन की थी। अगर कहीं वो आपसे गैर मकबूल बातें आपसे करते हैं, मनवाना चाहते हैं, या कहते हैं कि भाई आप ऐसे कर लें, आप ओपनिंग पे चले जाएं, आप नीचे आ जाएं, साइम को रिजवान के साथ खिला लें, तो क्या आप इस बात को समझते हैं कि आप ऑन कर लेंगे इसको? और दूसरा ही बता दीजिएगा, ये मत कीजिएगा प्लीज। देखें, ये मेरा मानना ये है कि ये पर्सनल गेम नहीं हो रही, जो टीम के लिए बेस्ट होगा उस पर हम बैठ के बात करेंगे और उस पर हम लबैक करेंगे। ये नहीं है कि ये मेरा या उसका या सैम का, रिजवान का, सदाब का, ये चीज़ नहीं है। जो टीम के लिए बेस्ट होगा, जो टीम के लिए बेस्ट बैटिंग लाइनअप होगी, जो टीम के लिए बेस्ट बॉलिंग लाइनअप होगी, उसके साथ जाएंगे। क्योंकि ये जब आपने ये चीज़ें ऐसे वर्ल्ड कप जीतनी होती हैं, तो ये यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो चीज़ें आपको एक साइड पर रखनी पड़ती हैं, और जब भी आपको ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको टीम गोल फर्स्ट रखना पड़ता है, और टीम की जो रिक्वायरमेंट, कोच की रिक्वायरमेंट, हमारी गैरी से इंडिविजुअल बात भी हो रही है, हमारी एज अ टीम भी बात हुई है, काफ़ी वो कीन है और एक्सपीरियंस बहुत है उसका। जिस तरह आपने बात की, आपने इस आपके सवाल में से मैं निकाल रहा हूँ कि उसका एक्सपीरियंस बहुत है, तो वो इतना जो मेरी उससे डिस्कशन हुई है, उतना उसको पता है कि हम क्या, हमारी क्या लाइनअप है और हम किस तरह खेल रहे हैं। अगर आपके अगर कह रहे हैं, तो जो टीम के लिए बेस्ट होगा वो पॉसिबल होगा इंशाल्लाह।